वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी, टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी। इसके लिए पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप चाहे तो कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें साथ ही साथ में प्याज को भी डाल दिया है। मैंने इसके लिए दो प्याज इस्तेमाल की है, दो छोटे प्याज। आप प्याज को अच्छे से भून लिया है मैंने। अभी इसमें साथ में मैंने आलू भी दो आलू लिए हैं। आलू को भी अच्छे से मैं इसके साथ भून लूँगी। अब आलू भुनने के बाद मैं अभी इसमें चिकन भी डाल रही हूँ। चिकन को भी मैं आलू के साथ अच्छे से भून लूँगी। मैंने बहुत ही कम चिकन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो और भी ज़्यादा चिकन यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने अदरक में मसाले डाल रही हूँ, अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ में लाल मिर्च का पाउडर। आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च या और भी ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ। इसमें कोई ग्रेवी नहीं होगी, ये ऐसे ही सूखी सूखी बनेगी। आपको रोटी के साथ खाने में इसे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। अभी देखिए मसाले में से जो है वो तेल निकलने लगा है और मैंने ढक्कन खोल दिया। अभी मैं मसालों को फिर से ग्रेवी में मतलब आलू और चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये अभी रेडी है। बस आपको अभी कुछ नहीं करना। इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया का पत्ता डालकर इसको निकाल लेना है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे चिकन या वेज नॉन वेज बहुत सारे रेसिपी है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।